Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Na computer na file. Ab tally data on mobile. Biz Analyst ke saath. Easy alternative. If the Elon Musk is ready to manufacture a Tesla in India, there is no problem. We have got the all competency. The vendors are available. We have got the all type of technology. And because of that, he can reduce the cost. But our request to him is that you come to India, start manufacturing here. India is a huge market. The export availability, everything, ports are available. They can make their export from India. And he is welcome. He is welcome in India. We don't have any problem. But suppose he want to manufacture in China and sell in India, it cannot be a good proposition for India. Our request to him is come to India and manufacture here. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर का सौदा होने से ठीक बाद फिर से टेस्ला के मालिक एलन मस्क को यह बात कहते हुए बड़ा झटका दिया है। नितिन गडकरी ने ये बातें रायसीना डायलॉग कार्यक्रम के दौरान कही हैं। नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर एलन मस्क भारत में टेस्ला बनाना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो चीन की कार भारत में बेचने के फेर में है तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। If the Elon Musk is ready to manufacture a Tesla in India, there is no problem. We have got the all competency. The vendors are available. We have got the all type of technology. And because of that, he can reduce the cost. But our request to him is that you come to India, start manufacturing here. India is a huge market. The export availability, everything, ports are available. They can make their export from India. And he is welcome. He is welcome in India. We don't have any problem. But suppose he want to manufacture in China and sell in India, it cannot be a good proposition for India. Our request to him is come to India and manufacture here. दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला लंबे समय से भारतीय बाजार में एंट्री की राह देख रही है। कंपनी इसके लिए भारत सरकार से टैक्स में छूट की मांग कर रही है। भारत सरकार टेस्ला की टैक्स छूट की डिमांड को कई बार खारिज कर चुकी है और साफ कर चुकी है कि इसे पूरा नहीं किया जा सकता। मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में अपनी गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहती है और इसके लिए उसे टैक्स में छूट चाहिए। दूसरी ओर भारत सरकार लगातार कहती आई है कि कंपनी इंपोर्ट करने के बजाय लोकल लेवल पर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करे। मस्क की कंपनी टेस्ला अभी अमेरिका के अलावा जर्मनी और चीन में अपनी गाड़ियां बनाती है। कंपनी चीन की फैक्ट्री से एशियाई और यूरोपीय बाजारों में इंपोर्ट करती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इससे पहले भी कई मौकों पर कहा है कि टेस्ला भारत में मेड इन चाइना गाड़ियां डंप करने के बजाय यहीं फैक्ट्री लगाने पर विचार करें। भारत सरकार अभी पूरी तरह से तैयार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आयात पर 100% शुल्क लगाती है। इससे ऐसी गाड़ियों का दाम सीधे डबल हो जाता है, जो उनकी कंपटीशन करने की क्षमता को कम कर देती है। दूसरी ओर सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट के इंपोर्ट पर 15-30% का शुल्क वसूल करती है। सरकार की इस रणनीति का लक्ष्य बाहरी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने की दिशा में प्रेरित करना है।